नमस्कार दोस्तों, बिहारियों द पे आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे टेस्ट है। ये हम लोगों का टेस्ट सीरीज है जो कि मई 2021 के दूसरा सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और ये पूरा का पूरा सप्ताह का निचोड़ एक ही वीडियो में रहता है, जो कि आपको रविवार, हर रविवार यानी कि पूरा सोमवार से लेकर शनिवार तक जो भी पढ़ाया जाता है ना, वो रविवार को टेस्ट के तौर पर लिया जाता है। ये केवल और केवल रिवीजन वीडियो है, और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डेली करंट अफेयर से जरूर जुड़ें। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। आज का पहला सवाल है कि हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया। तो देखिए, विश्व जो प्रवासी पक्षी दिवस होता है, जिसको विचरण दिवस बोला जाता है, विश्व जो पक्षी इधर से उधर जाते हैं ना, उसको पक्षी को संरक्षण के लिए ये किया जाता है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्थडे बोला जाता है। ये मई के दूसरा शनिवार को होता है, मई के दूसरा शनिवार को और अक्टूबर के दूसरा शनिवार को। तो इस वर्ष जो मई का दूसरा शनिवार था वो कितना था, तो 8 तारीख को मई का दूसरा शनिवार था, 8 मई को पड़ा था। तो इसका सही आंसर 8 मई हो जाएगा, 2021 में मनाया गया। और बात किया जाए ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो UNEP के द्वारा मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसका कहाँ है मुख्यालय, तो नैरोबी में है, नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखना होगा। दूसरा नंबर सवाल, देखिए आज टोटल 100 सवाल है, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें देखिए दो फेजेज मिलाते हैं। एक तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव सवाल, जिसमें 65 को ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा, और एक मौखिक वन लाइनर सवाल रहेगा, जो कि 65 में से माइनस कर दीजिए, 10-5 हो गया ना, 10-6-4 45 वो सवाल ऐसे रहेगा, सॉरी 35 सवाल रहेगा ना, 35 सवाल रहेगा इस तरह से। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा नंबर सवाल कि चीन ने किस वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी WHO ने दी है। यानी कि देखिए, ये चाइना की पहला जो वैक्सीन है जिसको WHO ने मंजूरी दिया है, उसका नाम है सिनोफार्म। सिनोफार्म, ये भी सवाल पूछेगा कि सिनोफार्म कहाँ का है, तो वैक्सीन ये कहाँ का है, तो चाइना का। इसका सही Sputnik 5 कहाँ का है, तो रूस का है। भारत में अभी 2 चल रहा है ना, ज़्यादा पॉपुलर कोविशील्ड वैक्सीन लग रहा है, और ये क्या है, एक है कोवैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड है। इसके अलावा रूस का जो Sputnik 5 है, उसका भी मंजूरी मिल गया भारत में आपातकालीन स्थिति में। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल, देखिए आंसर आप लोगों को जरूर करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। क्विज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, ये जो टेस्ट होता है पूरा सप्ताह का निचोड़ रहता है। जी नारायण राजू, इनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस विभाग के सचिव थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विधायी विभाग के सचिव थे। और विधायी विभाग की अगर बात किया जाए तो ये कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो कानून मंत्रालय के ये अधीन कार्य करता है। 4 नंबर सवाल करते हैं कि मानस बिहारी वर्मा, इनका हाल ही में निधन हो गया, इन्हें पद्मश्री कब मिला था, पद्मश्री कब मिला था। तो इनको 2018 ईस्वी में पद्मश्री मिला था। और मानस बिहारी वर्मा दरभंगा से बिलोंग करते हैं, दरभंगा कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। और जो तेजस विमान था ना, तेजस विमान बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, और ये बिहार के सबसे बड़े साइंटिस्टों में से एक हैं। भाई बिहार के सबसे बड़ा साइंटिस्ट हैं ये, 4 नंबर का ऑप्शन नंबर है। अगर देखिए इसमें डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे, डिटेल में जाने में वीडियो लंबा हो जाएगा, डिटेल में पढ़ने के लिए आप लोग डेली करंट अफेयर से जुड़िए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा की शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये टेलीमेडिसिन क्या होगा कि आयुर्वेदिक टाइप का होगा, इसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर से चिकित्सीय परामर्श आप लोग ले सकते हैं। कैसे, तो मोबाइल के माध्यम से। ये कौन सा राज्य सरकार शुरू किया है, तो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 6 नंबर सवाल करते हैं, 6 नंबर सवाल है कि द बेंच पुस्तक किसने लिखी है। तो द बेंच पुस्तक लिखे हैं मेगन मार्कल। मेगन मार्कल कौन है, तो ये ब्रिटेन की राजकुमारी हैं, ब्रिटेन की राजकुमारी, जो कि प्रिंस हैरी वहाँ के राजकुमार हैं, उनकी पत्नी हैं, जिनका नाम है मेगन मार्कल, के द्वारा ये बुक लिखा गया है। 7 नंबर सवाल बोल रहा है, किस राज्य में करीब 10 करोड़ साल पहले का सोरोपॉड डायनासोर की हड्डियों का जीवाश्म मिला है। इसका आंसर करिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेघालय। मेघालय के मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो यहाँ पे कोनराड संगमा हो जाएंगे, सत्यपाल मलिक गवर्नर हो जाएंगे। यहाँ पर 3 को पहाड़ी है, खासो, गारो, जयंतिया, ये सब याद रखिए। इसके राजकीय दिवस अगर मेघालय की बात किया जाए तो 21 जनवरी को होता है। मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर, सबका 21 जनवरी होता है। 8 नंबर सवाल बोल रहा है कि किस राज्य ने अस्पतालों को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक लॉन्च किया है। इसके माध्यम से क्या होगा कि जो धनबाद एरिया है, जमशेदपुर पड़ता है, रांची पड़ता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन मुहैया कराया जाएगा। ये झारखंड राज्य सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। यहाँ पे गवर्नर की बात किया जाए तो द्रौपदी मुर्मू है। यहाँ पे समर अभियान चल रहा है, और यहाँ के गवर्नर थे M. Ramajoyis, उनका निधन हो गया, जो कि बिहार के भी गवर्नर रहे थे।
नौ नंबर सवाल है कि हाल ही में एन रंगास्वामी किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो देखिए, हाल ही में जो पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हुआ था, पुडुचेरी में हुआ था, असम में हुआ था, केरल में हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पुडुचेरी, पुडुचेरी के एन रंगास्वामी हो जाएंगे। अब पुडुचेरी में बात किया जाए तो चार गो जिला पड़ता है, ये जो एन रंगास्वामी है चार बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने, चार बार, तो इसका सही आंसर पुडुचेरी हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बने हैं, और इसके अलावा कौन कौन था, तो एक और आपको याद रख लीजिए, असम में, तो आज असम में भी भाजपा की सरकार है, उन्हें वहाँ पे कौन है, तो हिमंता शर्मा हो जाएंगे, हिमंता बिस्वा शर्मा। दस नंबर सवाल बोला कि हाल ही में बिमान बनर्जी को किस राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? देखिए, इसका सही आंसर बिमान बनर्जी को तीसरी बार पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल के जो विधानसभा का अध्यक्ष, कभी कभी देखिएगा विधानसभा के जो अध्यक्ष होता है ना उसको स्पीकर भी लिख देता है, स्पीकर, स्पीकर भी लिख देता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, जो स्पीकर होता है अध्यक्ष दोनों का सेम है। 11 नंबर सवाल है कि फोर्टुनाटो फ्रेंको का हाल ही में निधन हो गया, ये किस देश के पूर्व फुटबॉलर थे, ये कौन सा देश के लिए फुटबॉल खेलते थे? तो ये थे भारत के फुटबॉल खेलते थे, और गोवा से ओलंपिक में खेलने वाले एकमात्र फुटबॉलर भी हैं, ये मिडफील्डर के रूप में काम करते थे, कोरोना के कारण इनका मृत्यु हो गया। 12 नंबर सवाल क्या है, तो मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय हाल ही में किस राज्य सरकार ने लिया है? इसका सही आंसर उड़ीसा हो जाएगा, क्या होगा, उड़ीसा सरकार के द्वारा लिया गया है। मनोज दास एक महान लेखक थे जो उड़िया में लिखते थे और इंग्लिश में लिखते थे, और इसमें बात किया जाए तो 10 लाख रुपया दिया जाता है, 10 लाख रुपया पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। 13 नंबर सवाल करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित दुनिया का पहला जहाज का नाम क्या है? तो दुनिया का पहला जहाज है जिसका नाम है मे फ्लावर, ये मानव रहित जहाज है, इसमें बिना मानव का ही काम करेगा, और बात किया जाए तो ये जो है कहाँ का जहाज है, तो ब्रिटेन का जहाज है, ब्रिटेन का जहाज है, और ये समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करेगा। 14 नंबर सवाल बोल रहा है कि DRDO द्वारा विकसित कृत्रिम इंटेलिजेंस का नाम क्या है जिसके द्वारा सीने के एक्सरे के माध्यम से COVID-19 बीमारी का पता लगा सकता है? जैसे DRDO ऐसा विकसित किया है ना जिसके माध्यम से जो सीना, जो छाती का एक्सरे होता है ना उसके माध्यम से ही पता चल जाएगा, ये है आत्मन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं AI का मतलब। अगर DRDO का बात किया जाए तो पाइथन फाइव मिसाइल है जो कि DRDO ने बनाया है, जो कि हवा से हवा में मार करेगा, और एक और मिसाइल जो बनाया था सतह से हवा में मार करेगा उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था आकाश एनजी। ये केवल और केवल रिवीजन पर्पज़ से ये वीडियो बनाया जाता है, और डेली करंट अफेयर और इसमें दोनों में कंपेरिजन नहीं हो सकता है, उसका कुछ अलग लेवल है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुबंधित निजी अस्पताल जो सरकार के साथ टाइप होता है उसमें गरीब कोविड रोगियों का मुफ्त इलाज करने के लिए एक नई योजना शुरू करने का ऐलान किया है? कौन सा राज्य सरकार ने कहा है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने, और मध्य प्रदेश में बात किया जाए तो एक और योजना चलता है जिसका नाम है जन कल्याण संबल योजना यही का है। 16 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 16 नंबर बोल रहा है कि वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021 किसने देखा? तो ये है मार्क सेल्वी जो कि चौथी बार जीते हैं, और स्नूकर में सबसे ज़्यादा अगर तेज खिलाड़ी बोला जाए ना, सबसे ज़्यादा जो इसमें आगे रहता है तो वो ब्रिटेन के ही आपको खिलाड़ी मिलेंगे, और पंकज अडवाणी भी स्नूकर खेलते हैं, आदित्य मेहता हैं, इसके अलावा विद्या पिल्लई और अम्मी कमानी जो कि महिला में दो को याद रखिएगा, विद्या पिल्लई, अम्मी कमानी जो कि भारत से बिलोंग करते हैं, और एक गीत सेट्टी हैं, आदित्य मेहता हो गए, पंकज अडवाणी, ये सभी स्नूकर के ही खिलाड़ी हैं, ये सब याद रखिएगा आप लोग। 17 नंबर सवाल देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने औरो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है? औरो छात्रवृत्ति कार्यक्रम त्रिपुरा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, त्रिपुरा में अगर मुख्यमंत्री की बात किया जाए विप्ल कुमार देव और गवर्नर रमेश बैस हो जाएंगे, और ये कौन सा सोसाइटी के द्वारा कार्यक्रम था? तो श्री अरबिंदो सोसाइटी का ये कार्यक्रम था। 18 नंबर सवाल में बोल रहा है कि किस राज्य सरकार ने अपने 9 मंत्रालय का नाम बदल दिया है? तो 9 मंत्रालय यहाँ पे हाल ही में चुनाव हुआ था, ये था तमिलनाडु जहाँ के मुख्यमंत्री नए बन गए हैं MK Stalin, जिनका पार्टी का नाम है जो DMK पार्टी, और गवर्नर की बात किया जाए तो बनवारीलाल पुरोहित हो जाएंगे। और केरल के अगर जल्दी में चुनाव हुआ था वहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो जो पहले थे पिनाराय विजयन वही बने हैं। 19 नंबर सवाल बोल रहा है कि वनराज भाटिया इनका हाल ही में निधन हो गया, यह प्रसिद्ध क्या थे? तो ये प्रसिद्ध संगीतकार थे, ये प्रसिद्ध
संगीतकार थे जिनका निधन हो गया। तमस फिल्म के लिए इनको नेशनल अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा पद्मश्री भी 2012 में मिला था। 20 नंबर सवाल बोल रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर पुणे में आपको देखने को मिलेगा और इसका चेयरमैन आधार पूनावाला है और ये कोविशील्ड दवा आता है ना ये इसी बनाता है और दो को दवा बताए थे कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक के द्वारा बनाया जाता है। तो यूनाइटेड किंगडम में कितने राशि का निवेश करेगा तो GBP 240 मिलियन। GBP क्या होता है तो ग्रेट ग्रेट ब्रिटिश पाउंड होता है। क्या होता है ग्रेट ब्रिटिश पाउंड होता है तो ये सब याद रखें। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर सवाल देखते हैं किस राज्य ने दूरदर्शन के जरिए वर्चुअल लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। वर्चुअल लर्निंग प्रोग्राम ये क्या है भाई इसमें क्या है कि जो 9वां से लेकर 12वां तक के जो भी बच्चे हैं ना उनको दिया जाएगा शिक्षा दिया जाएगा जिनका सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। जो DD दूरदर्शन देखते हैं ना जैसे दूरदर्शन रांची आता है दूरदर्शन मेघालय आता है उसी तरह से बिहार DD बिहार पे ये कार्यक्रम आएगा जो कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को फायदा होगा। इसमें सहायता बिहार DD को क्या कर रहा है यूनिसेफ इसमें मदद करेगा तो इसका सही आंसर बिहार हो जाएगा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं गवर्नर फागू चौहान जी हो जाएंगे। सेशन पसंद आ रहा है लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। रघुनाथ मोहपात्रा जिनका हाल ही में निधन हो गया ये किस क्षेत्र से संबंधित है तो ये मूर्तिकार है। इतने बार रिवीजन करा देंगे ना कि आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। मूर्तिकार हैं और ये उड़ीसा से 2018 में राज्यसभा के लिए नामित हुए थे। इनको पद्मश्री भी मिला है पद्मभूषण भी मिला है और पद्मश्री भी मिला है। 23 नंबर सवाल करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अर्गनिया कब मनाया जाता है। देखिए आर्गन का तेल बहुत ही जो बोला जाता है रेयर केस में बहुत दुर्लभ ये मोरक्को के क्षेत्र में मिलता है और इसका सही आंसर 23 नंबर का क्या हो जाएगा 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी 10 मई को ये मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा ये मनाया जाता है। अब देखिए 24 सवाल बोल रहा है कि लुईस हैमिल्टन ने कितनीवीं बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5वीं बार जीता है। 5वीं बार ये जीता है और ये लुईस हैमिल्टन की अगर बात किया जाए तो लुईस हैमिल्टन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। ये 8 साल के उम्र से ही ड्राइविंग शुरू किए थे। 25 सवाल बोल रहा है सीमा सड़क संगठन ने जिसको ब्रो बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 7 मई को अपना कितनावां स्थापना दिवस मनाया तो 61वां स्थापना दिवस मनाया। अगर इसके स्थापना की बात किया जाए तो 7 मई 1960 को हुआ था। ये रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और ब्रो का चेयरमैन राजीव चौधरी हैं। 26 नंबर सवाल बोल रहा है कि इनमें से किस अभिनेता को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है तो अनुपम कौर को मिला है और एक शॉर्ट मूवी बनाया था हैप्पी बर्थडे के लिए मिला है। हैप्पी बर्थडे के लिए ये अवार्ड इनको मिला है। 27 में बोला है एलिफेंट इन द वॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है तो ये कल्कि कोचलिन के द्वारा लिखा गया है। इनकी ये पहली किताब है और ये बता दूं कि फ्रांसीसी मूल के है। कल्कि कोचलिन जो हैं ये फ्रांसीसी मूल के। इस किताब में मातृत्व के बारे में बताया गया है। 28 सवाल में बोल रहा है कि हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक एक नया रिमोट सेंसिंग को पूरा योगान 34 अंतरिक्ष में भेजा है तो ये चीन के द्वारा ये रॉकेट को भेजा गया है जो धरती से दूर रहते हुए भी धरती पे नज़र रखेगा। और अगर बात किया जाए चाइना का जो रॉकेट यूज करता है उसका नाम क्या है तो वो रॉकेट है लॉन्ग मार्च 4C। लॉन्ग मार्च 4C जो है ना चाइना का रॉकेट है जो कि कोई भी उपग्रह को छोड़ने के लिए यूज करता है। 29 सवाल में बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प पर हेल्पलाइन नंबर 11 से लॉन्च किया है तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें क्या है कि कोविड से संबंधित सभी जानकारियाँ मिल पाएगी जैसे दवाई हो गया एम्बुलेंस की जानकारी हो गया ये सब हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। यहाँ पे पोंग डैम मिलेगा रेणुका लेक मिलेगा चंद्रताल मिलेगा। 30 नंबर सवाल में बोल रहा है कि हाल ही में किस देश का रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B हिंद महासागर में जाके गिर गया। हिंद महासागर में जाके कहाँ का मिला था तो चीन का हो जाएगा। चीन का एक रॉकेट छोड़ा था चाइना उका हुआ कि बीच में जाकर उसमें आग लग गया खराबी होने के कारण वो धरती की तरफ आने लगा और कहाँ जाके गिरा था तो मालदीव के पास जाके गिरा था। और चीन के स्पेस एजेंसी की बात किया जाए तो CNSA बोलते हैं। CNSA यहाँ का स्पेस एजेंसी है जैसे भारत का इसरो होता है ना उसी तरह से। 31 में बोला कि हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी दिवस कब मनाया गया। ये बहुत ही अच्छा सवाल है जिसको नेशनल टेक्नोलॉजी डे बोला जाता है। ये सवाल पेपर में आ सकता है तो इसका सही आंसर 11 मई होगा। क्यों 11 मई को ही होता है क्योंकि 11 मई 1998 को पोखरण 2 टेस्ट किया गया था ऑपरेशन शक्ति के तहत।
32 नंबर सवाल में बोल रहा है कि लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो इसका सही आंसर शकूर राठेर हो जाएंगे, शकूर राठेर हो जाएंगे, जो कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पत्रकार है। इनकी ये पहली किताब है। इस उपन्यास में प्रेम कहानी के माध्यम से जो कश्मीर घाटी है ना, वहाँ के रोजमर्रा जिंदगी के बारे में बताएगा, रोजमर्रा की जो जिंदगी है ना, उनको ये कहानी की तरफ बताएगा। 33 नंबर सवाल बोल रहा है, किस देश के प्रधानमंत्री ने 10 मई को प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत खो दिया है, तो ये नेपाल के जो केपी शर्मा ओली है ना, केपी शर्मा ओली जी 10 मई को जो अपना विश्वास मत खो दिए, मगर ओपोजिशन को क्या दिया गया, टाइम दिया गया कि आप लोग क्या करिए, कि आप लोग बहुमत सिद्ध करिए, मगर वो भी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। तो फिर क्या हुआ कि 13 मई को शाम को पुनः केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री बनाया गया और उनको एक महीना यानी 30 दिनों का समय दिया गया कि आप बहुमत सिद्ध करिए, और नहीं सिद्ध करिएगा तो उसके बाद इनको क्या करना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। 34 सवाल में बोल रहा है कि मेड्रिड ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब कौन जीता, तो ये जीते हैं, देखिए मेड्रिड ओपन जैसे ही आया ना, तो ये टेनिस से संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। ये जीता पुरस्कार कौन, तो एलेक्जेंडर जेवरेव ने जीता। अब एलेक्जेंडर जेवरेव के बारे में बात किया जाए तो ये जर्मनी के हैं। 35 नंबर सवाल कि इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस जिसको बोलते हैं ना, सांस्कृतिक विरासत को बेहतर तरीके से संरक्षित करने के लिए इनमें से कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो उसका नाम है आईडी आर्ट जो है लॉन्च किया है, जो कि विभिन्न देशों के सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए काम करेगा। अगर इंटरपोल का हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो फ्रांस में लियोन में है, लियोन फ्रांस में है। 36 नंबर सवाल देखिए, 36 है कि मोहम्मद नसीद, यहाँ पे नसीब नहीं होगा, मोहम्मद नसीद हो जाएगा, जो हाल ही में घर के बाहर हुए बम धमाके में घायल हो गए, यह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं, मतलब बोल रहा है कि कौन सा देश का पूर्व राष्ट्रपति, तो वो मालदीव के हो जाएंगे, मालदीव के थे और इनके घर के बाहर बम धमाका हुआ था जिसके कारण इनको बहुत खामियां भुगतना पड़ा। अब बात किया जाए कि ये काहे हुआ, तो देखिए ये बार बार आतंकवाद के खिलाफ बोलते रहते हैं, इसके कारण आतंकवाद के खिलाफ बोलने के कारण ऐसा जो ISIS था ना, वो ऐसा कारनामा करते रहता है। और ये बात किया जाए इनके मोहम्मद नसीद के बारे में, तो ये क्या है, तो ये वहाँ के जो मालदीव के संसद हैं, वहाँ के स्पीकर हैं, संसद के स्पीकर हैं, और अभी वर्तमान में राष्ट्रपति की बात किया जाए मालदीव के, तो इब्राहिम मोहम्मद साले। देखिए 37 नंबर सवाल करते हैं हम लोग, 37 नंबर सवाल, किस राज्य में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव एवं उपचार के लिए आइवरमेक्टिन की दवा दी जाएगा, चाहे उनमें कोविड के लक्षण रहे या ना रहे, ऐसा गोवा के द्वारा ऐसा किया गया है कि क्या बोला कि नहीं, वहाँ पे आइवरमेक्टिन की दवा दिया जाएगा ताकि जिसको कोरोना होने वाला भी रहेगा तो उसको क्या हो, अंदर से उसको इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए, और ये एंटीवायरल है जो कि 5 दिनों तक चलता है और 12 mg आता है इसका, आइवरमेक्टिन का। अगर बात किया जाए गोवा में, अगर गवर्नर की बात किया जाए तो भगत सिंह कोश्यारी हैं, जो कि महाराष्ट्र के भी गवर्नर है, यहाँ पे मोलम नेशनल पार्क भी है। 38 नंबर सवाल देखिए, MK कौशिक और रविंदर पाल सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित है, तो ये देखिए इनका निधन हुआ हाल ही में, ये हॉकी से संबंधित है। हॉकी के एक और दिग्गज थे जिन्हें हमने खोया है, जिनका नाम था जॉर्ज फर्नांडीज। तो देखिए तीनों का तीनों नाम आप एक जगह याद रखिए, एक क्या हो गए, MK कौशिक हो गए, रविंद्र पाल सिंह हो जाएंगे, जॉर्ज फर्नांडीज हो जाएंगे। 39 सवाल देखिए, फेकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उज्ज्वला सिंघानिया को। अब फीकी खाली फीकी बोलता है तो इसके चेयरमैन है उदय शंकर जी हो जाएंगे। 40 नंबर सवाल करते हैं, 40 नंबर सवाल में बोला कि हाल ही में किसने भारत में COVID-19 संक्रमण जो संकट है उसके समस्या को दूर करने के लिए $15 मिलियन का जो ऋण बोला जाता है, दान बोला जाता है ना, देने की बात किया है, ट्विटर के अगर CEO की बात किया जाए अभी तो कौन है, तो जैक डोर्सी। ये अमेरिका का सोशल मीडिया ऐप है, ट्विटर जो है अमेरिका का सोशल मीडिया ऐप है। कोवी वैन हेल्पलाइन किस राज्य के पुलिस ने शुरू किया है, तो इसका सही आंसर दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली के द्वारा ये शुरू किया गया है। इसमें क्या है, कोवी वैन में जो COVID-19 से लड़ रहे जो बुजुर्ग हैं ना, जो संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरत की जो सामग्री है वो मुहैया कराया जाएगा। ये था 41 सवाल। अब देखते हैं 42 सवाल क्या बोल रहा है। 42 बोल रहा है
कि विजय वाटलिंग ने संन्यास लेने की घोषणा किया है, यह किस खेल से संबंधित है? देखिए, विजय वाटलिंग जो है ना, ये क्रिकेट से संबंधित है, और कौन से देश के लिए खेलते हैं? तो ये न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं, और न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे अधिक टेस्ट के मैच खेलने वाले विकेट कीपर बन गए हैं, और इंग्लैंड दौरा जो होगा ना, उसके बाद से ये संन्यास ले लेंगे। 43 के राघोतमन, इनका हाल ही में निधन हो गया, इन्हें प्रेसिडेंट मेडल का मिला था। तो इनको प्रेसिडेंट मेडल मिला था 1994 में, और 1988 ईस्वी में इनको पुलिस मेडल मिला था। और राजीव गांधी जो हत्याकांड हुआ था ना, उसकी जांच इन्होंने ही किया था, ये सीबीआई के ऑफिसर भी रहे हैं। 3 नंबर सवाल बोला, सीआईबी ने मछलियों को प्रभावित करने वाले एक रोग होता है जिसको बोलते हैं VNN, यानी कि वायरल नर्वस निरकोसिस, को एक स्वदेशी टीका विकसित किया है। CIBA का मुख्यालय कहाँ है? तो CIBA का मुख्यालय हो जाएगा चेन्नई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर दवा के नाम बात किया जाए कि कौन सा दवा विकसित किया है, तो CIBA नोवाडेक होता है, NOVNODA नोडाभैक। चलिए, क्लियर है ना। 45 नंबर सवाल देखते हैं, द वाशिंगटन पोस्ट न्यूज रूम के नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी? ये द वाशिंगटन जो पोस्ट है ना, उसका जो है कार्यकारी संपादक बनी है, ऐसा इतिहास में, इसके इतिहास में जो समाचार संगठन का 143 साल हो गया, उसके इतिहास में सब पहली बार हुआ है। उनका नाम है सैली बुजबी। अब देखिए, 46 नंबर सवाल देखिए, दुनिया के पहली 2 नैनोमीटर वाली चिप तकनीक किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? ये बहुत फास्ट काम करेगा, ये IBM कंपनी है। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, जिसके चेयरमैन अरविंद कृष्णा है, जो कि भारत से बिलोंग करते हैं। ये IIT कानपुर से पढ़े थे। अगर IBM का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो प्लेटफॉर्म है, उसका नाम क्या है? तो वाटसन। हाल ही में किस राज्य ने अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? तो अमृत वाहिनी को झारखंड राज्य सरकार ने शुरू किया है। झारखंड में सरहुल त्यौहार, रोहिणी त्यौहार हो गया, इसके अलावा अगर बात किया जाए तो श्रावणी मेला लगता है। और एक और कोरोना मरीजों से संबंधित ही मोबाइल ऐप शुरू किया है, जिसका नाम है चैटबोट। इसके अलावा झारखंड सरकार ने संजीवनी वाहन शुरू किए हैं, समर अभियान शुरू किया है। तो ये सब फैक्ट आप लोग याद रखते हैं। अब देखिए, 48 नंबर है कि एलिफेंट पुस्तक किसने लिखा है? तो एलिफेंट पुस्तक को पॉल पिकरिंग ने लिखा है, जो कि ब्रिटेन से बिलोंग करती हैं। अब देखिए, अगला सवाल है कि बताइए अर्जुन लाल, और इस पर डबल मार्क करिएगा, ये सवाल पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन लाल और अरविंद सिंह, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई कर लिया है, इनका संबंध किस खेल से है? कौन सा? तो ये रोविंग करते हैं, यानी जिसको नौकायन बोलते हैं, तो ये नौकायन से संबंधित हैं। अब देखिए, 50 नंबर सवाल, आप लोग 50 कर लिए हैं, देखिए 50 में कितना सही होता है आप लोगों का। ये केवल और केवल रिविजन पर्पज है, जो डेली देखता है उसके लिए रामबन साबित होगा। ये भारत और यूरोपीय निवेश बैंक ने किस मेट्रो रेल परियोजना के लिए 150 मिलियन, यानी 15 करोड़, यानी कि अगर भारतीय रुपये की बात किया जाए 1335 करोड़ रुपये जो है वो क्या करेगा, एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये पुणे मेट्रो के लिए, अगर यूरोपीय निवेश बैंक का अगर बोला जाए हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लग्जमबर्ग में हो जाएगा, लग्जमबर्ग में। अब देखिए, 51 नंबर सवाल बोल रहा है कि दक्षिण एशियाई पत्रकार संघ ने समाचार संगठनों को सलाह दी है कि वो नए कोविड-19 स्ट्रेन को इंडियन स्ट्रेन नाम देना बंद करें। तो जो दक्षिण एशियाई पत्रकार संघ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। अगर न्यूयॉर्क में ही बात किया जाए तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है, UNDP का हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन का होगा। अगर यही UNEP बोल दें तो इसका नैरोबी में हो जाएगा। RBI ने किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकार समूह का गठन किया है, जो दूसरी नियामक समीक्षा प्राधिकरण, जिसको RRA 2.0 बोलते हैं, का मदद करेगा? ये है एस जानकी रमन। अगर यही बोल दे कि नियामक समीक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो एम राजेश्वर राव हो जाएंगे। और RBI के अगर बोले कि अभी अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, जो RBI के अध्यक्ष कौन है, तो शक्तिकांत दास हो जाएंगे। वी कल्याणम, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किनके पूर्व निजी सचिव थे? तो ये महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव थे, और गांधी जी को जब गोली मारा गया था तो सब कहते हैं कि इनका आखिरी शब्द हे राम था। तो ये बोले ना वी कल्याणम कि नहीं, हे राम नहीं था, मगर फिर विवाद ज़्यादा छिड़ा ना, तो वो क्लेरिफाई किए कि नहीं, हमारी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। और ये क्या थे? पर्सनल सेक्रेटरी थे। हाल ही में किस राज्य ने महतारी दुलार योजना को शुरू किया है? तो महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है, और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल क्या हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में किस बैंक ने माइक्रोसॉफ्ट
लॉन्च किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया है। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात किया जाए तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो बड़ौदा में पड़ता है। बड़ौदा में कहाँ पे, तो अलकापुरी जगह है वहाँ पे पड़ता है। और ये अपने कर्मचारियों के सहायता के लिए बनाया है जिसमें प्लाज्मा डोनर के पता लग सके, और इससे ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया जैसे दवा में रेमडेसिविर दवा हो गया, बेड जैसे आवश्यक सामग्री के बारे में पता चल सके। देखिए 56 देखिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी उद्योग में दक्ष नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है, तो वो है EESL इनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। अगर बात किया जाए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के वर्तमान में चेयर कौन है, चेयरमैन कौन है, तो वर्षा जोशी। और पहले कौन थे, तो दिलीप रथ थे। अब देखिए 57 नंबर सवाल देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट 2017 को असंवैधानिक करार दिया है, तो इसका सही आंसर पश्चिम बंगाल, जहां के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो ममता बनर्जी, गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। 58 हाल ही में किस देश ने सुरक्षा चिंताओं के कारण भविष्य में विदेशी निवेश की स्क्रीनिंग की अनुमति देने के लिए कानून पारित किया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डेनमार्क, जहाँ पे भारत के राजदूत कौन हैं, तो भारत के राजदूत पूजा कपूर हैं और कोपेनहेगन इसकी राजधानी है। और डेनमार्क में 5G का टेस्टिंग चल रहा है जो कर रहा है स्वीडन की एक दूरसंचार कंपनी है जिसका नाम है इरिक्सन। भारत में जैसे बोला जा रहा है कि हुआवी करेगा जो चाइना कंपनी, मगर ऐसा नहीं है, वो चाइना वाला हुआवी नहीं करेगा। किस भारतीय कंपनी और रोल्स रॉयस जो कि ब्रिटेन की कंपनी है रोल्स रॉयस ने भारत में रोल्स रॉयस MT-30 समुद्री इंजन को समर्थन करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करेगा हस्ताक्षर करेगा। और बात किया जाए रोल्स रॉयस ब्रिटेन की कंपनी है और BMW इसको खरीद लिया है। अब देखिए अगला सवाल है 60 नंबर के, हाल ही में COVID-19 रोगियों को म्यूकोर माइकोसिस देखा जा रहा है, यह क्या है, यह फंगस है। देखें COVID-19 को वैसे रोगी जिसमें मधुमेह है ना, उसमें यह देखा जा रहा है कि उनके फेफड़ों में ब्लैक फंगस हो जा रहा है। 61 नंबर सवाल बोल रहा है कि एयरपोर्ट पर 1000 टैक्सी बोट मूवमेंट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है, तो दुनिया का पहला एयरपोर्ट इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। अगर टैक्सी बोट की बात किया जाए तो टैक्सी बोट क्या होता है, तो प्लेन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में यह काम आता है। यह टैक्सी बोट इजराइल के जो कंपनी है इजराइल एरो स्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाया गया है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में पड़ता है। 62 नंबर सवाल देखिए, 62 नंबर सवाल बोल रहा है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इमोला एग्जीबिशन कॉरपोरेशन द्वारा इनग्राम माइक्रो इंक को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को प्रस्तावित अधिग्रहण, यानी कि जो इनग्राम माइक्रो इंक है उसको खरीद लिया है इमोला एग्जीबिशन कॉरपोरेशन, पूरा का पूरा खरीद लिया, यानी कि 100% हिस्सेदारी खरीद लिया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अगर चेयरमैन की बात किया जाए तो अशोक कुमार गुप्ता हो जाएंगे। निम्न में से किस व्यक्ति ने एस्पर्जर सिंड्रोम से पीड़ित होने का खुलासा किया, ये एलन मस्क है। एलन मस्क बोले हैं कि वो एस्पर्जर सिंड्रोम से पीड़ित हैं। अब ये क्या होता है एस्पर्जर सिंड्रोम में, इसमें व्यक्ति को जो दूसरे लोग हैं उनसे बात करने में दिक्कत होती है, और ऐसा ही एस्पर्जर सिंड्रोम से पीड़ित है एक और महान शख्सियत जिसका नाम है ग्रेटा थनबर्ग, जो कि कहाँ से हैं, बिलोंग करती है, तो ये स्वीडन से बिलोंग करती हैं। अप्रैल 2021 के लिए ICC मैच प्लेयर ऑफ द मंथ किसने जीता है, तो ये बाबर आजम पुरुषों में जीते हैं। अगर महिला की बात किया जाए तो ये बाबर आजम कहाँ से हैं, तो बाबर आजम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। और महिला में अगर बोलेगा तो एलिसा हेली कहाँ से हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से हैं। और अगर जनवरी में अगर बात किया जाए तो ऋषभ पंत थे, फरवरी में रविचंद्रन अश्विन और मार्च में भुवनेश्वर कुमार, यानी शुरुआत के 3 महीने भारत के खिलाड़ी थे और बाद में बाबर आजम रहे हैं 4 महीना में। 65 नंबर सवाल ऑब्जेक्टिव नंबर सवाल का आज का अंतिम सवाल है, उसके बाद हम लोग वन लाइनर देखेंगे इसके बाद। हाल ही में जारी ICC टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा, तो भारत शीर्ष पर रहा। दूसरका पे कौन रहा, तो न्यूजीलैंड रहा। तीसरका पे कौन रहा, तो इंग्लैंड रहा। अगर टेस्ट की बात किया जाए, ये तो टेस्ट के है ना, अगर वनडे की बात किया जाए तो न्यूजीलैंड टॉप पर, और T20 की बात किया जाए तो इंग्लैंड टॉप पर है। अब देखिए 65 हो गया, अब ऑब्जेक्टिव सवाल करते हैं। रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुक्ता का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका 66 नंबर है ना,
तो 66 नंबर सवाल का सही आंसर आसाम हो जाएगा। क्या होगा? असम हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग करिए क्या होगा। देश का पहला प्राकन पार्क उत्तराखंड के किस जिला में खोला जाएगा? तो नैनीताल में खोला जाएगा, नैनीताल। 68 नंबर सवाल देखते हैं, 67 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो लियोन मेंडोका। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करना भूलना नहीं, जो भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लोग लाइक करिए कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी, यानी कि एम्स नया बना है गुजरात के कहाँ? तो राजकोट में बना है। 70 नंबर सवाल की अगर बात किया जाए, एक जिला एक शिल्प नामक एक अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो वो है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो सुनीत शर्मा जी बने हैं। अब देखिए 71 हो गया, 72 नंबर सवाल देखिए, किस राज्य ने किसान फसल राहत योजना शुरू किया है? तो ये झारखंड राज्य सरकार ने ये योजना शुरू किया है, किसान फसल राहत योजना। माइकल कोंडो जिनका हाल ही में निधन हो गया, यह किस खेल से संबंधित हैं? कौन से खेल से संबंधित हैं माइकल कोंडो? ठीक है, तो माइकल कोंडो खेलते थे हॉकी। किस देश ने 2023 तक दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को विकसित करने, यानी कि लकड़ी का उपग्रह बनेगा ऐसा कहा जापान के द्वारा, मगर कब तक बनाएगा? तो 2023 तक। केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, यह किस राजनीतिक दल से जुड़े थे? ये कौन सा राजनीतिक दल से जुड़े थे? तो ये कांग्रेस। पोम्पेई जो हाल ही में खबरों में रहा था, यह किस देश का एक प्राचीन शहर था? तो ये इटली का एक प्राचीन शहर था पोम्पेई। सोमा मंडल ने 1 जनवरी 2021 को किस संगठन के अध्यक्ष, देखिए सब से सोमा और सब से ही होता है सेल होता है, यानी कि स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। विश्व ब्रेल दिवस जो पहली बार 2019 में मनाया गया था, यह किस दिन मनाया जाता है, कौन डेट को? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। 79 किस देश ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट को पारित कर दिया है? तो ये है देश अमेरिका कर दिया है। सिगेला संक्रमण जो हाल ही में खबरों में था, यह किसके कारण से होता है? तो ये जीवाणु के कारण ये देखने को मिलता है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण 11 फरवरी 2021 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर गुलमर्ग हो जाएगा। गुलमर्ग में जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण हुआ था। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन था? तो दलित थे भोला पासवान शास्त्री। अगर बात किया जाए कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री बताइए बिहार के, तो राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव की पत्नी है ना। बिस्मिल्ला खान को भारत रत्न कब मिला था? तो 2001 ईस्वी में। प्रथम भोजपुरी फिल्म की अगर बात किया जाए कौन था? तो गंगा मैया तोहे पीरी चढ़ाइबो। ये सवाल पूछा हुआ है, तो आप लोग इस पे जो पूछा हुआ सवाल है तो उस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। हे गंगा मैया तोहे पीरी चढ़ाइबो। अब देखिए अगला सवाल बढ़ते हैं कि किस राज्य ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है? तो किसान कल्याण मिशन शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। 87 नंबर सवाल देखिए, एम पेंशन ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? एम पेंशन के एम से देखिए शुरुआत में से पकड़ सकते हैं, मणिपुर है वो, मणिपुर हो जाएगा। किस विश्वविद्यालय ने कर्म योगी योजना शुरू की थी? तो ये था लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा ये शुरू किया गया था। खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ कहाँ किस जगह पे हुआ था? तो ये कारगिल में हुआ था। 89 सवाल हो गया, अब 90 सवाल, 10 और सवाल बचा है। किस राज्य ने कृषि संजीवनी वैन शुरू किया? अगर कृषि संजीवनी की अगर बात किया जाए तो ये कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। रामधारी सिंह दिनकर को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इनको राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रकवि। बिहार राज्य में विधानसभा की कुल कितने सीट हैं? तो 243। अगर यही उलट देने के लिए आपको बताया गया, कुछ नहीं करिए, इसको वाला इधर कर दीजिए, 2, 3, 4 कर दीजिए, तो ये कहाँ का होता है तो आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि 234 जो विधानसभा सीट है कहाँ का है। झारखंड राज्य 15 नवंबर 2021 को अपना कितनावां स्थापना दिवस मनाएगा? देखिए ये बना था 2000 ईस्वी में, तो 2000 में बना, तो जितना यहाँ लगेगा रहेगा ना, जैसे 2021 में तो 21 में मनाएगा। अगर यही बोल देगा 2025 में क्यों मनाएगा, तो 25वां मनाएगा। झारखंड के वर्तमान में अगर गवर्नर की बात किया जाए तो कौन है? द्रौपदी मुर्मू।
अगर पहला बोलेगा कि झारखंड के पहला गवर्नर कौन थे, तो प्रभात कुमार हो जाएंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, तो कॉनराड संगमा हो जाएंगे। कॉनराड संगमा। और यहाँ के गवर्नर की बात किया जाए तो कौन हो जाएंगे, सत्यपाल मलिक। विश्व हास्य दिवस और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब 97 सवाल, थ्री इडियट्स फिल्म के निर्देशक कौन है, तो राजकुमार हिरानी जी हैं। और इसके अलावा पीके फिल्म हो गया, संजू फिल्म हो गया, मुन्ना भाई में भी सब इन्हीं का निर्देशन हुआ है। 98 सवाल बोल रहा है, खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है, तो ये भारत और आपको होता है क्या नाम है उसका, थोड़ा सा रुक गया, किर्गिस्तान के बीच में होता है। भारत और किर्गिस्तान से कंफ्यूज नहीं होना है, एक कजाकिस्तान होता है, एक किर्गिस्तान होता है। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था, तो देखिए इनको भारत रत्न मिला था 2013 ईस्वी में मिला था। और 100 नंबर आज का अंतिम सवाल कि पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है। देखिए पंकज अडवाणी हो गए, आदित्य मेहता हो गए, विद्या पिल्लई हो गए, ये सब बताए हुए हैं, गीत सेट्टी हो गए, ये सब क्या से संबंधित है, स्नूकर या जिसको बिलियर्ड्स बोलते हैं। सेशन कैसा रहा भाई, आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए ये सेशन का बहुत इंतज़ार रहता है, इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा सप्ताह, यानी कि जो सोमवार से लेकर शनिवार तक जो हम लोग पढ़ते हैं ना, उसका पूरा का पूरा रिवीजन होता है। सब लोग बोलता है संडे को फंडे नहीं बनाना, संडे को स्टडी डे के रूप में बदलना है, और संडे को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग रिवीजन करिए। और जैसा कि आप लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं, उस पर भी लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए।